मध्य प्रदेश के रतलाम में राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के एजेंडे पर आए लोगों को बताते हुए कहा कि बीजेपी अरबपतियों को पैसा दे सकती है तो हम गरीब सामान्य वर्ग दलितों आदिवासियों को भी पैसा दे सकती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में राहुल गांधी का अलग ही रूप देखने को मिला, जहां विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी के जन विरोधी कामों को बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि आप आगे न बढ़ पाएं और आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर न बन पाएं, आपकी जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं। कांग्रेस का वादा है मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए, दैनिक मजदूरी, आशा आंगनबाड़ी की महिलाओं का आमदनी दोगुना, 1,00,000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया और उनका कर्जा माफ किया। हमने मन बना लिया है कि अगर वे अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम गरीब सामान्य वर्ग दलितों आदिवासियों को भी पैसा दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अरबपतियों को पैसा दिया। हमने मन बना लिया है कि अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पैसा दे सकते हैं। उन्होंने अभी आप ठहर जाइए, ताली अभी मत बजाइए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद ऑटोमेटिक ताली बजेगी, देखना। भाइयों और बहनों, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी, आदिवासी परिवार, दलित परिवार, पिछड़ों के परिवार, किसानों के, मजदूरों के, गरीब जनरल कास्ट के परिवार, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपए नहीं, 30,000 नहीं, 50 नहीं, 70,000 नहीं, 80,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में हम डालने जाएंगे। बजीना ताली, 1,00,000 रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा। हर महीने 8,500 रुपए, हर साल 1,00,000 रुपए, उस दिन तक जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। क्रांतिकारी काम, करोड़ों परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपए आएगा। किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। आपको अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम दाम आपको गारंटी करके कानून दिलवाएगा। जैसे ही सरकार आएगी वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।